जब तक वो सारी चीजों का सर्वेक्षण नहीं होगा तो भ्रमित भी किया मोदी जी ने। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दो नेताओं की बात की आपने, कौन वो नेता हैं? नहीं देखो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं सबको पता है क्या है। मेरा यही कहना है कि किसी भी स्टेट के अंदर ये जो सिस्टम है कि आप कलेक्टिव लीडरशिप को अगर आप तवज्जो देंगे, जैसे इन्होंने वहां कोई चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किया, आपके चारों स्टेटों में कहीं भी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किया, कलेक्टिव लीडरशिप को उन्होंने जो है तवज्जो दी, सब काम करेंगे। अच्छा, गुटबाजी एक बड़ा कारण रही हार का क्या? क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत सामने थे, मैंने आपको जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सामने थे। मैं मेरा ये कहना है कि कलेक्टिव लीडरशिप को आप मत देंगे, मेरिट के आधार पे आप टिकट देंगे तो आपकी जीत निश्चित होती। आपकी आप मध्य प्रदेश भी जीतते, आप छत्तीसगढ़ भी जीतते, आप राजस्थान भी जीतते। मेरिट के आधार पे काम करो, केवल एक व्यक्ति या एक समूह या एक व्यक्ति से पूछ के या दो तीन व्यक्ति से पूछ के अगर आप टिकट वितरण करेंगे, सर्वे के आधार पर नहीं चलेंगे। स्क्रीन कमेटी का जो अपना काम था वो सही ढंग से अगर होगा, अगर उसमें तजर्बेकार आदमी भेजे जाएं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको अगर आप भेजेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे। ओबीसी प्रत्याशी को क्या टिकट नहीं दी गई कांग्रेस के द्वारा? नहीं, हमारे यहाँ जैसे हमारा चेयरमैन था राजस्थान का, उसको टिकट नहीं दी, जीतने वाला कैंडिडेट था। हमारा तेलंगाना का जो चेयरमैन था, जहाँ टिकट दी गई, जो हमारा कांग्रेस कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आया, उसको टिकट नहीं मिली। इसी तरीके से आपके इन्होंने मध्य प्रदेश में तो टिकट दी थी, कर्नाटका में भी टिकट दी थी, तेलंगाना में जो हमारा अध्यक्ष है उसको चेयरमैन है, उसको टिकट नहीं दी। अच्छा कैप्टन साहब, वकालत तो आप ही कर रहे हैं ओबीसी वोटर्स की, अगर मैं बात करूँ या फिर प्रत्याशियों की बात करूँ, वकालत राहुल गांधी ने भी की, तो आप दोनों नेताओं की बात को दरकिनार किसने किया, किसने जमीनी हकीकत को बयान नहीं किया? अब इसके बारे में तो समीक्षा करने की जरूरत है, कैप्टन अजय सिंह समीक्षा थोड़ी करेगा। जो समीक्षा के लिए जो कुछ कमेटी वमेटी बनाएंगे, हमारे से कुछ पूछेंगे तो हम बोल देंगे, हाँ बैल मुझे मार वाली बात तो करनी नहीं है। वो कहते हैं फौज में कहते हैं कि अफसर के अगाड़े और पछाड़े नहीं जाना चाहिए, इसे जबरदस्ती किस लिए जाना है? मैंने कोई हमारे से पूछेगा, राय लेगा तो हम राय दे देंगे।